दृष्टि कोश के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं हूं आर्यमन। कश्मीर में आज 3 दिवसीय G20 समूह की अहम बैठक होने जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा की भी कड़ी तैनाती की जा चुकी है और 370 हटने के बाद कश्मीर में ये सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसे भारत ये दिखाएगी कश्मीर में सब ठीक चल रहा है। आपको बता दें कि G20 की बैठक को देखते हुए पूरी घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। NSG और मरीन कमांडो, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही किसी विस्फोटक या IIT की जांच के लिए स्कैनर और खोजी कुत्तों को भी लगाया जा चुका है। जब से G20 की अध्यक्षता भारत ने संभाली है, तब से पाकिस्तान थोड़ा बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से शुरू होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। शेरे कश्मीर कॉन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए मरीन कमांडो से लेकर NSG तक की तैनाती हो चुकी है। इस बीच कार्यक्रम के बड़े बदलाव की भी बात जो है सामने आ रही है। G20 जो बैठक है, इसमें भारत ये दिखाएगी कि कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है और उधर एक तरफ पाकिस्तान जो है थोड़ा खलबलाया हुआ है। तो हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम फिर से आपके साथ लौटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एसटी पोस्ट और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।